हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत एक्शन मोड में नजर आए। कमिश्नर ने नजूल भूमि का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। बता दें कि नैनीताल के हल्द्वानी में बड़े पैमाने पर सरकारी नजूल भूमि खाली पड़ी है, जिस पर लंबे समय से भू माफियाओं की कब्जे और अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही हैं। इतना ही नहीं, कई जगहों पर अतिक्रमणकारियों ने स्थायी अतिक्रमण तक किया है। वहीं सरकारी विभागों की जमीन भू माफियाओं से नहीं बच पाई है। ऐसे में अब मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रशासन ने सारी सरकारी भूमि को चिन्हित करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने रविवार को कई सरकारी नजूल भूमि का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट, SDM और मुख्य नगर आयुक्त को सरकारी भूमि को खुर्द बुर्द करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। MK News की डेस्क रिपोर्ट।